हेलो स्टूडेंट्स, वी आर हियर ऑन चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशन एंड वी आर डिस्कसिंग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. टू ऑफ देयर एस्पिरेशंस वी हैव डिस्कस्ड. वन वाज द सक्सेशनिस्ट मूवमेंट एंड द अदर वन वाज डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी. नाउ वी आर हियर फॉर द थर्ड एस्पिरेशन और जो थर्ड इनका एक्शन रिएक्शन का फेज था दैट वाज मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स. अब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में माइग्रेंट्स जो थे वो एक स्पेशल प्रॉब्लम इनका बन गया था. और लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू नॉर्थ ईस्ट गेव ए राइज टू अ स्पेशल काइंड ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो लाइमलाइट में आया. इन्होंने आउटसाइडर्स और माइग्रेंट्स के अगेंस्ट लोकल कम्युनिटीज़ ने ये एक पॉइंट रेज किया था. व्हाट हैपन्स कि जो इंडिया और अब्रॉड से चारों तरफ से लोग हैं यहाँ के रिसोर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है. तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए, लैंड रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे माइग्रेट होके इस एरिया में, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अब्रॉड आल्सो दे माइग्रेट ओवर हियर. नाउ असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 to 85 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच मूवमेंट्स जो आउटसाइडर्स के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर एरिया में होती हैं. ठीक है, स्पेशली जो इलीगल बंगाली मुस्लिम्स फ्रॉम बांग्लादेश यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं, ये लोग क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, दैट अनलेस दीज फॉरेन नेशनल्स आर डिटेक्टेड, नंबर वन, डिपोर्टेड, दे वाई, बिकॉज दे वुड रिड्यूस द इंडिजिनियस एसएमईज इनटू माइनॉरिटी. ये लोग मेजॉरिटी में हो जाएंगे और एसएमईज मेजॉरिटी में. देर वर अदर इकोनॉमिक इशूज ऑल्सो एंड देर वॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. तो इनको इस चीज़ की भी चिंता थी कि नेचुरल रिसोर्स तो जैसे ऑयल हो गया, टी हो गया, कोल हो गया, इस ये तो एक रीज़न है ही है, बट वाई दीज पीपल आर कमिंग हेयर एंड दे आर स्नैचिंग ओवर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑफ असम. सो इन 1979 AASU, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ये लोग एक ग्रुप फॉर्म करते हैं विच वॉज नॉट अफिलिएटेड टू एनी पार्टी और लेड एन एंटी फॉरनर मूवमेंट ये चलाते हैं. तो एम्फेसिस क्या है, टू एम्फेसाइज अपॉन द कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द असम. एंड दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट इलीगल माइग्रेटर्स, अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज हु वर सेटलिंग ओवर हियर एंड ऑलरेडी सेटल्ड एंड अदर आउटसाइडर्स इवन. दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द फॉल्टी वोटर्स, दोज हु वर रजिस्टर्ड ओवर हियर. इमिग्रेंट्स के नाम थे वहाँ पे वोटर्स लिस्ट में भी. सो द मूवमेंट डिमांडेड दैट ऑल आउटसाइडर्स हु हैड एंटर्ड सिंस 1951 दे शुड बी सेंट बैक. दिस एजिटेशन फॉलोड मेनी न्यू मैथड्स और बड़ी ट्रेजिडिक और वायलेंट हैपनिंग्स भी हुई है यहाँ पे. ट्रेन रोकी इन्होंने, इवन जो सप्लाई ऑफ ऑयल था फ्रॉम असम टू द रिफाइनरीज ऑफ बिहार वो नहीं जाने दिया इन्होंने. क्लियर. एंड बहुत जब टाइम तक ये चलता रहा एंड फाइनली अगेन राजीव गांधी जो थी गवर्नमेंट उन्होंने नेगोशिएशन किया AASU के लीडर से. साइन किया उन्होंने एक अकॉर्ड 1985 में और अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट द फॉरनर्स हु माइग्रेटेड इनटू असम ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वॉर दे वर टू बी आइडेंटिफाइड एंड दे वर टू बी डिपोर्टेड. एंड विद दिस सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ मूवमेंट AASU और असम गण संग्राम परिषद जो है वो अपने आप को एक पोलिटिकल पार्टी में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. एंड वट वॉज द नेम ऑफ दैट पार्टी, असम गण परिषद AGP विच कम्स इन टू पावर इन 1985. ठीक है, एंड दे प्रोमिस ऑफ रिजॉल्विंग दिस फॉरन नेशनल प्रॉब्लम एज वेल एज दे वॉन्टेड दैट वी विल बिल्ड असम एज ए गोल्डन असम.
क्लियर। सो दिस वॉज हाउ असम अकॉर्ड जो है वहाँ पे पीस लेके आता है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिक्स है, उसको चेंज करता है। बट इट नॉट डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेशन, द इशू ऑफ आउटसाइडर कॉन्टिन्यूज अभी तक, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली एक्यूट, और जिसका जो सेम फीलिंग जो है वो अदर पार्ट्स में भी देखने को मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर। थैंक यू।